हेलो गाइस, आज हम इस शर्ट की जो फ्रंट डिज़ाइन है बोन रिवॉल की वो बनाएंगे। जो कि हम अभी स्टार्ट लेते हैं टॉप व्यू से, जिसमें एलिवेशन में ये इस तरह दिखता है। स्टार्ट लेते हैं हम एक रेक्टेंगल से, क्योंकि ये सब जो काम है ये रेक्टेंगल और स्टार्ट न्यू से चिप जो चेक है वो हटाते हुए स्नैप टूल ऑन करके हम वो पुराने वाला मेथड करेंगे, जो कि पहले ही ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। अब ये फाइल जो है मैं अपलोड करूँगा, उसको मतलब ये कि जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो में उसमें आपको दूंगा, तो ये फाइल आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने बनाया है। अब ये सारे जो है सेम है, तो चलिए ये बनाते हैं। इसमें स्टार्ट न्यू शेप से मैंने चेक हटाया हुआ है, तो थोड़ा टाइम लेता ही, लेकिन अगर आपने ये इग्नोर कर दिया तो फिर आपके लिए जो प्रैक्टिस का जो टाइम है उसमें आपका जो प्रैक्टिस है वो सही तरह से नहीं होगा, और आप जल्दी चाहते हैं कि ये तमाम हो जाए, पूरा हो जाए, तो मसले आ सकते हैं। तो इसलिए आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जो है ये बन गया है तकरीबन, हाँ। अब मुंह पे आता हूँ, मुंह जेड का बटन दबाते हुए मैंने इस पे एक्सट्रूड अप्लाई करना है। एक्सट्रूड पे हम इसको तकरीबन जो हमने उसका दिया है इसमें हम 9 इंच देंगे, ठीक है। अमाउंट में हम 9 इंच देंगे। चलिए ये तो बन गया। इसके अंदर जो स्पेस है इसमें हम कितने देंगे, हाइट सिलेक्शन करते हैं, इसमें हम 7 इंच देंगे, ठीक है। हाइट सिलेक्शन कर दिया। अब जो है मैं रेक्टेंगल लेता हूँ स्टार्टिंग शेप से, हटाते हैं उसने प्रूलान करके। सिर्फ इसमें एक बनाना है, इसके अंदर भी एक बनाना है और इसके अंदर भी। सिंपल सा डिज़ाइन है। इसके बाद हम ये जो है मिरर करेंगे और जो इसका अपोजिट साइड है उस पर लगाएंगे ज़रूरत हो तो। 9 की जगह अब हम 7 देंगे, जो कि रिक्वायरमेंट्स है हमारा। अभी इस तरह ये बन गया, ठीक है। अब आपको इसके अंदर जो अभी मैं हाइड करता हूँ ना, इसके ये वाला डिज़ाइन रखा है, तो ये भी सेम प्रोसेस है। स्टार्ट न्यू शेप से चिक हटाते हुए स्नैप टूल ऑन कर दिया। अब जो है इसमें सिर्फ इस तरह जो है ये दो रेक्टेंगल बनाना है। आपको एक पॉइंट देखा होगा कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट गलत दिया है, तो अब जो है मुझे सिगमेंट ऑन करके इसके जो फाइल है स्नैप टूल ऑफ कर दिया। अब मैं स्नैप टूल ऑन करता हूँ, इससे पहले मैं लॉक करता हूँ इस सेगमेंट को, ताकि मैं मूविंग वगैरह करता हूँ ना, कि ये अदर जो है मजीद सेगमेंट से सबमिट ना सेलेक्ट ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने ये लॉक कर दिया। अब यहाँ से मैं यहाँ पर इसने बराबर किया, ठीक है। ये तो हो गया, ये वाला भी सेम है, ठीक है। तो आपको इस तरह करना है, लॉक तो है, स्नैप टूल ऑन करना है। अगर मैं इस पर एक्सट्रूड अप्लाई करूँ तो ये बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये 9 इंच देता हूँ मैं, मेरे ख्याल से ये 6 या 7 इंच ठीक है, ठीक है। जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं कलरिंग वगैरह, तो इसमें आपको पता चलेगा कि किस वजह से, ठीक है। शेप से मैंने कापी ले लिया है इसका, अब यहाँ पर मैं कापी लेता हूँ, ठीक है। बेटा पे भी देख लीजिए कहीं, ताकि कोई गलत वगैरह तो नहीं है। स्नैप टूल ऑफ करके ये बिल्कुल फिक्स आया, ठीक। इसके बाद अनहाइड ऑल करते हैं हम, स्नैप टूल ऑफ करते हैं। अच्छा हाँ, ये वाला डिज़ाइन भी बना, ये वाला भी बन गया। अब इसको भी अलग सा ग्रुप करते हैं हम, साइड डिज़ाइन हम इसका नाम देते हैं, साइड डिज़ाइन। और ये वाला चेक करते हैं ग्रुप है या नहीं है ग्रुप, तो चलिए इसको भी ग्रुप करते हैं, ग्रुप फ्रंट डिज़ाइन, फ्रंट
डिजाइन देते, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, रोटेट करते हैं एंगल स्नेपुल, हमने ऑन कर दिया है एंगल स्नेपुल, फिर आपको बताओ इसमें हमने 45 एंगल दिया है, तो इसका जो काम है वो ये है कि जिस एक्सिस पर आप मूव रोटेट करेंगे तो ये सही तरीके से आपको वही 45 एंगल पे रोटेट होगा। अब जो है मैं लॉक करता हूँ स्नेपुल ऑन करके, यहाँ से मैंने ये वाला लिया, ठीक है। ये जो लॉक का कमांड में अप्लाई करता हूँ बार बार, तो ये इसलिए कि ये जो इसमें हमारे साथ कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो जाए, मसला ना बन जाए, ठीक है। ये तो सॉरी यार, ये तो इस तरफ लगाना है, ठीक है। तो आपको रोटेट करना है, फिर एंगल स्नेपटूल ऑलरेडी ऑन है, तो अब मैंने ये लॉक करना है स्नेपटूल ऑन करके, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ तक लेना है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स हो गए, क्योंकि अगर ये आपका जो मैप है वो एलिवेशन के मुताबिक हो तो बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, ठीक है। अब जो है मैं इस वाले को लेता हूँ, ये वाला, ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक तरफ पर रोटेट करना है ई से, ये कमांड है रोटेट करने का शर्ट की। अब जो मैं इसे लॉक करता हूँ स्नैप टूल ऑन करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। जेड बटन देखता हूँ, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल फिक्स आ गया ना, इसमें एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पर एक दोनों जो है ये वाला दोनों सेम और सेम जगह पे है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि एलिवेशन में अगर इस तरफ में ये जगह यूज हुआ तो यहाँ न लाए, ठीक है, इस यहाँ से आपको शुरू करना था। चलिए तो कलरिंग में इस थोड़ा सा मसला देते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन करते हैं प्रैक्टिकल तो कुछ मसला नहीं होगी। अभी हमने बना दिया, अगर आपको ये वाला जो है इसी तरफ वहाँ पर जो है आपको कॉपी करना है, तो चलिए वो भी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये जो कॉपी है आप देख लीजिए, ये इसकी तरफ उल्टा है, ठीक है, अपोजिट है। तो ये वाला मिरर करना है हमें, सेलेक्ट करते हैं हम इसको, मिरर का कमांड है इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर नो क्लोन है, ठीक है। और ये जो है ये ठीक होगा या नहीं, आप एक्सपर जो है मिरर नहीं करना चाहिए, ये वाई है, वाई पर एक्सिस पर मिरर करना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ओके प्रेस कर लीजिए, तो आप देख लीजिए बिल्कुल ठीक है, लॉक करके स्नेपटूल ऑन करके से फिक्स कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लॉक ऑफ कर दिया है मैंने, बिल्कुल ये दोनों तीनों बल्कि सेम हो गए। पीछे जो है इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना, तो उसको अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके रोटेट करके थोड़ा जो स्केलिंग है वो कर सकते हो उसका, क्योंकि ये वाला हिस्सा इस थोड़ा बड़ा है, अगर स्केल करना चाहते हो या इसी तरह रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि हम पिक्चर में रिक्वायर्ड में नहीं है कि वो वाला हिस्सा भी हम ले लें, तो चलिए हमने ले लिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर पिक्चर में आने की ज़रूरत हो तो ये आ जाएगा, ठीक। अब हमारा जो है ये वाला छोड़ो, इग्नोर कर लो, ठीक है, अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, ग्रुप ओपन करके ट्रिपल स्पी लाइन और ट्रिपल पूरी पे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो है ये डिज़ाइन बन गया अभी तक, इसके नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह जो इसका भी ग्राउंड है रोड वगैरह है उस पर काम करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।